शांति। मीठे मीठे शिव बाबा, मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा के तन से और उनके मुख कमल से हम बच्चों को जो सत्य ज्ञान सुनाया और जो राजयोग सिखाया और उस ज्ञान और राजयोग को सीखकर हम बच्चों ने जो दिव्य गुणों की धारणा की और उस दिव्य गुणों के साथ साथ जो भी हम बच्चों ने बुद्धि से दिल से सेवाएं की और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो बुद्धि की लाइन क्लियर रखते हैं, अर्थात एक बाबा को ही सर्व संबंधों से याद करते हैं, बाबा में निश्चय बुद्धि होते हैं, और मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, इसे ही एक बल और एक भरोसे पर यदि अपनी जीवन को व्यतीत करते हैं और साथ साथ जो भी बाबा की सेवाएं हैं उन सेवाओं को भी दिल से करते हैं, अर्थात दुआएं जिससे मिले ऐसे करते हैं, तो बुद्धि की लाइन क्लियर और दिल से सेवाएं ऐसी करे जो दुआएं निकले और आत्मा बाप की श्री मत पर और बाप की आज्ञा अनुसार स्वच्छ और पवित्र, जितना जितना हम इस पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, स्वयं को इन्हीं बातों में व्यस्त रखते हैं और बाबा के हर महावाक्यों पर विश्वास रखते हुए हम यदि उसी निश्चय के साथ सकारात्मक रूप से चलते हैं, और बाबा भी कहते हैं कि अभी सभी को अनुभवी मूरत की दुआएं चाहिए। ज्ञान सुनाने वाले तो दुनिया में बहुत लोग हैं, योग सिखलाने वाले भी बहुत हैं दुनिया में, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव के आधार पर कोई हमें शिक्षा देवे जो शिक्षा जीवन का परिवर्तन करे या सचमुच ही उसको सहयोग मिले, सहानुभूति मिले, आश्वासन मिले और उसके बोल में वो बल हो, वो ताकत हो, वो जौहर हो, जो वो बोल जो भी सुने उसको भी राहत मिले। तो ये अचानक का दृश्य, मीठे मीठे बाप दादा ने हम सभी बच्चों को चंद्रमणि दादी से लेकर के इसकी शिक्षा देनी शुरू की, जो आज तक हम यज्ञ के अंदर अनेकानेक ऐसे हादसे किस्से और बातें होती हुई देख रहे हैं कि किस प्रकार अचानक अचानक बातें हो रही है, चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे दुनिया के अंदर भी, चाहे लौकिक परिवारों के अंदर, संसार में भी, सब जगह पर अचानक अचानक बातें आती है और ये अचानक बातें बहुत कुछ सिखाती है। अब जो उनको सीखता जाता है वो अचानक ही अपने जीवन के अंदर एक नवीन परिवर्तन का अनुभव करता है और उस नवीन परिवर्तन का अनुभव बड़ा सकारात्मक है, परिवर्तनशील है, जिसमें खुशी, और वो भी अल्पकाल की खुशी नहीं, परंतु खुशी का
एक ऐसा बीज पड़ जाता है जो अविनाशी खुशी की प्राप्ति सदा उसको होती रहे, ऐसा जैसे कि प्रभु से उनको दुआ कहो, वरदान कहो या आशीर्वाद कहो, वो आशीर्वाद उनको मिल जाती है। परंतु ईमानदारी से, वफादारी से, सच्चाई से, सफाई से यदि हम उस अचानक की नकारात्मक घटना जो हमारी नजरों में है, प्रभु की नजरों में नहीं, क्योंकि प्रभु इस ड्रामा के भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल को जानते हैं, तो उनको पता है कि इसमें क्या कल्याण है। पर हमें भविष्य का पता न होने के कारण हम उसके कल्याण को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, चिंतित होते हैं और उस घटना के बारे में बहुत कुछ आगे पीछे, ऊपर नीचे, व्यर्थ समर्थ सोचते रहते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा के महावाक्यों में भी हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, रहना चाहिए कि जो भी घटनाएं घटती हैं, बाबा कहते भले आपकी नजरों में वो घटना बहुत बुरी है, नहीं घटनी चाहिए, दुखदाई है, तो भी मीठे बच्चे उसमें भी बहुत कल्याण समाया हुआ है। इसीलिए बच्चों को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए नथिंग न्यू, क्योंकि ये ड्रामा का बड़ा गहरा राज है कि बनी बनाई बन रही, अब नई बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। ये ड्रामा बना बनाया है, इसलिए अनहोनी घटना तो कोई घट ही नहीं सकती। कल्प कल्प जो घटनाएं घटती रही हैं और घट रही हैं और घटती ही रहेंगी, तो हमें भी बाबा की मदद मिलती रही है, मिलती है और मिलती ही रहेगी, और हम बिल्कुल बाप समान बेफिक्र बादशाह की तरह निश्चिंतता से, एक बल एक भरोसे पर जो भी दृश्य हमारे सामने ड्रामा के आते जाते हैं, हम यही अभ्यास करें कि हम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर के और अपनी स्थित प्रज्ञ स्थिति रखते हुए और अपनी स्थिति को बनाए हुए उस घटना को देखें और हम अपने कार्य को आगे करते चलें, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं। जीवन के अंदर कई व्यक्तियां आती हैं और जाती हैं, ब्लड कनेक्शन की भी कई व्यक्तियां जन्मती हैं, आती हैं, हमारे संग संग जीवन व्यतीत करती हैं, वह भी अपना समय हो तो अपने समय पर जाती हैं। तो ये जन्म पुनर्जन्म का चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिव भगवान उवाच, हमारा असली परिचय, मैं आत्मा अजर अमर और अविनाशी हूँ और मेरे सर्व के साथ जो भी संबंध है वो इस ड्रामा के अंदर कल्प कल्प के हर जन्म के नूंधे हुए हैं। तो हम फिर से बिछड़ेंगे, फिर से मिलेंगे, फिर बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, इस प्रकार ये चक्र जो है वो चलता ही रहेगा। इसीलिए हम उसके आदती बन जाएं, अभ्यासी बन जाएं, ताकि हमारी स्थिति कभी भी किसी भी नकारात्मक घटनाओं में दुखी न हो, अति दुखी न हो, व्यर्थ चिंतन न करे, परेशान न हो, और सकारात्मक घटनाएं वो भी जो घटेंगी वो भी बहुत ही परसेंटेज में अच्छे से अच्छी सामने आएंगी। जो घटनाओं को हम देखेंगे,
प्रैक्टिकल में उसकी खुशी का अनुभव करेंगे, परंतु कई बार ऐसी घटनाएं भी हमारे पास घटेंगी सकारात्मक, जिन खुशियों को भी हमें बर्दाश्त करना होगा, और वो खुशी में हमें अभिमान न आ जाए या उस खुशी में भी हम बावरे न बन जाएं, पागल न हो जाएं, तो हमें अपना संतुलन बाबा की याद से बना के रखना होगा। तो इसीलिए बाबा ने हमें राजयोग भी सिखलाया, ताकि हम संतुलन बना के रखें। और संतुलन बना के रखने का सबसे बड़े ते बड़ा महावाक्य बाबा का यही है कि अपनी आत्मिक स्वरूप की स्थिति में और साक्षी दृष्टा की स्टेज पर हम अपनी सीट पर सेट होकर के और एक बाबा की याद में इस बने बनाए ड्रामा को, जो अविनाशी रूप से चलता ही रहा है, चल रहा है और चलता ही रहेगा, हम उसे देखते रहे और बाबा जैसे कहते हैं ऐसे सदा बाप समान हर्षित मुख रह करके अपने हर्षित मुखता के द्वारा बाबा का प्रैक्टिकल संदेश सभी को देते रहे और उनके दुखों को हमारे बाप समान हर्षित मुख चेहरे के द्वारा दूर करते रहे। ओम शांति।